आपके पिताजी के पास 10 लाख रुपया है, आप दो भाई हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस 10 लाख रुपया को दोनों भाइयों के बीच में 2:3 में बंटवारा किया जाएगा। आप खुद सोचिए कि आपका हिस्सा कितना होगा, आपके भाई का हिस्सा कितना होगा। तो ऐसे सवाल हमारे जीवन में बार बार आते हैं, है ना। ये क्वेश्चन जानना ज़रूरी है। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, तीसरा क्वेश्चन और लाजवाब है, बहुत मज़ेदार है, समझिए। और तब अच्छा लगेगा तो उसको शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और फिर लाइक सब्सक्राइब तो आपके हाथ में है। चलिए, तो पहला सवाल, तरीका सीखिए। सबसे पहले कह रहा है कि 1458 रुपया को 2:7 में बांटिए। 2:7 सबसे पहले करना क्या है, कितना दिया है, 2:7 दिया है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2+7 कितना होगा, 9 हो जाएगा। समझ रहे ना, ये आपका पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। अब इस 9 से करना क्या है, जो मतलब कि पैसा दिया गया, रुपया दिया गया है, उसमें भाग करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगला स्टेप, कोई मेथड नहीं लिख रहे हैं, बस सॉल्यूशन का तरीका सिखा रहे हैं, एग्जाम नहीं दे रहे हैं आप, बस तरीका सीखिए। 1458 में 9 से डिवाइड करेंगे, दूसरा स्टेप है ये, डिवाइड कीजिए। अगर आपको नहीं आता है भाग तो क्या करेंगे आप, 14, 5, 8 में 9 से भाग कीजिए, 9 + 9 होगा, बिल्कुल सिखा रहे हैं 0 से आपको। ये कितना हो जाएगा बोलिए, 5, 9 × 54 हो जाएगा, 1 उतरेगा 8, 9 × 2 = 18, 162 रुपये पड़ेगा एक भाग का। तो मतलब कितना आ गया, 162 आ गया, है ना। तो पहला आदमी का भाग कितना है, पहला भाग कितना है बोलिए, तो 2 है, तो 2 × कितना कर देंगे, 162 पहले भाई को मिलेगा, 2 × 4, 6 × 12 = 2 और 2 × 2 = 3, 324 रुपये मिलेगा। और दूसरे भाई को कितना मिलेगा बोलिए, दूसरे भाई को मिलेगा 7 है, तो 7 × 162, चलिए 7 × 14 = 4, 7 × 6 = 42, 41 = 3 और 7 × 7 = 4 = 11, इतना मिलेगा। तो ऐसे हम लोग बांट लेंगे, समझ पा रहे हैं बात को। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पे है कि 1350 रुपया है और 2, 3, 4, देखिए लाजवाब, सबसे पहले क्या करना है हमको, 2, 3, 4 दिया है, सबको जोड़ लेना है, कितना हो जाएगा ये, 3 × 2 = 5, 4 = 9 हो जाएगा। अगला स्टेप में क्या होगा, देखिए अगला स्टेप में क्या होगा बोलिए, तो 1350 में भाग करेंगे 9, कितना से, 9 से। अब यहाँ क्वेश्चन में बार बार 9 आ जा रहा है, ऐसा नहीं कि बार बार 9 आएगा, 9 से भाग कीजिए, 1350 में 9 से भाग कर देते हैं, 9 × 9 = 4, 5 = 45, 9 × 5 = 45, है ना, कितना आ गया, 150 आ गया। तो ऐसे भी कर सकते थे, 15 × 9 कितना होता है, 135 होता है, तो कितना आ गया बोलिए, 150 आ गया, तो 150 आ गया। चलिए, तो पहले आदमी का कितना भाग होगा बोलिए, पहले का हो जाएगा देखिए यहाँ पे, तो 2 × 150 कितना, 300। दूसरे का कितना होगा आप बता सकते हैं, 150 × 3 = 450 रुपया। और तीसरा आदमी कितना भाग होगा, 150 × 4 = 4×4 = 150 कितना होगा, 650 रुपया। तो इस तरह से क्या हुआ, इसका बंटवारा हो गया, 6, 3, 9, 4, 13, 13, 1350 रुपया हो गया। अब रही बात की तीसरा क्वेश्चन, कि सबसे पहले देखिए कि a + b + c कितना दिया है, 98, चलिए 98 इतना दिया है, बस इसको पकड़ रखिए यहाँ पे। अब आइए यहाँ देखिए, a · b कितना दिया है, 2:3 दिया है, b · c कितना दिया है, तो 5:8 दिया है, ये दोनों दे दिया है। अब सुनिए ध्यान से, इन तीनों को एक साथ हम लोग करते हैं, तो a · b · c निकाल लीजिए यहाँ पे, कितना निकलेगा। तो देखिए कॉमन क्या है यहाँ पे, b जो है, b कॉमन दिख रहा है, तो चलिए 5 से गुना करेंगे इसमें भी, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक में गुना करेंगे, ठीक है ना, फिर इसमें गुना करेंगे, फिर ऐसे गुना करेंगे, उल्टा n, क्लियर। तो 5 × 10, 5 × 3 = 15 लिख देंगे, 10 × 15 = 15 और क्या होगा, 8 × 3 = 24,
24। अब सुनिए क्या होने वाला है। अब क्या करेंगे हम लोग, ए बी सी का अनुपात निकल गया यहाँ पे, ए बी सी में इस तरह से बंटवारा होगा, सबको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा बोलिए, तो इसीलिए 10 और 15 कितना होगा 25, 25 और 24 49, इसीलिए 49 बराबर क्या हो जाएगा 98 के बराबर है। तो कटा देंगे हम, कितना आएगा 2 आएगा, मतलब एक यूनिट का भाग कितना हो गया, एक यूनिट का भाग हो गया आपका 2, एक का कितना आ गया 2 यूनिट आ गया। अब चलिए लगाइए यहाँ बंटवारा, एक का कितना मिलेगा, एक का कितना मिलेगा तो 10 गुने 2 20, बी का कितना मिलेगा तो 15 गुने 2 30, और सी का कितना मिलेगा बोलिए तो 24 गुने 2 48। अब आपको क्या चाहिए था, आपको सिर्फ बी का मान चाहिए था, हमने बी का मान देखा 30 आएगा, 30 20 50 और 48 कितना होगा 98 होगा। तो ऐसे हम लोग बना लेंगे, है ना, रहा ना शानदार क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा है, समझ में आया है, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ हम सिखाएंगे समझाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।